हरि ओम। रोहित सिंह जी ने एक सवाल किया है और समझदारी ऐसी दिखाई है कि एक ही सवाल में तीन प्रश्न कर लिए उन्होंने। उनका प्रश्न है कि प्राणायाम में सांस लेने का सही तरीका क्या है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि प्राणायाम में सांस लेते समय सीना फुलाना चाहिए या पेट फुलाना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने पूछी है कि चाइल्ड ब्रीदिंग क्या है। प्रश्न अच्छे हैं, क्योंकि ये प्रश्न वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा हो या अभ्यास का इरादा बना लिया हो। बधाई। पहली बात आपने पूछी कि सांस लेने का सही तरीका क्या है। प्राणायाम प्राण का आयाम है, सांसायाम नहीं है। लेकिन श्वास, क्योंकि प्राण से इतना नजदीक से जुड़ा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का सांस आना बंद हो जाए तो हम कह देते हैं कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यानी श्वास के माध्यम से हम प्राण को छू सकते हैं और वही प्रक्रिया प्राणायाम है। इसमें सांस लेने के सही तरीके की जब आप बात करते हैं तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात एक और लेनी चाहिए कि प्राणायाम कैसे करें। आजकल लोग चलते चलते प्राणायाम करते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, इशारे भी करते रहते हैं, प्राणायाम भी कर लेते हैं अपनी तरफ से। यात्रा में कमर झुकी हुई है, आसन स्थिर नहीं है, ट्रेन चल रही है और उसमें प्राणायाम कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई नियम आपने धारण किया है तो उसका पालन होना ही चाहिए। लेकिन संकल्प के वजह से हम जो पद्धति है किसी भी विद्या की उसको सेक्रिफाइस नहीं कर सकते। प्राणायाम उस आसन में, यानी जिनको कहते हैं ध्यानात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन में स्थिर भाव से बैठ करके मन को पहले आत्मदर्शन यानी अपने में लगा करके चंचलता को, तनाव को, क्रोध को, भय को, यानी इन तरफ से सुरक्षित होकर के बैठ करके प्राणायाम की साधना करें, तब प्राणायाम प्रभावी होगा। सांस लेने का सही तरीका यह है कि अपनी स्थिति के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। बहुत बार लोग पूछने लगते हैं इसको हम कितनी देर रोकें, कितना लंबा सांस ले सकते हैं। हर एक की क्षमता अलग है, हर एक की आवश्यकता भी अलग है, लेकिन हाँ जो बड़ा लक्ष्य है वो एक ही है, उसी के लिए हम प्राणायाम करते हैं कि हम दीर्घ प्राण बने, हम प्राणों के ऊपर संयम पा सकें, ऐसा संयम कि जब तक जिएं तब तक हम प्राणायाम के माध्यम से स्वस्थ और दीर्घजीवी होकर के जिएं, और जब उत्सर्ग का समय आए तो उस समय हम प्राणायाम के माध्यम से ही उत्सर्ग भी प्राप्त कर सकें। दूसरी चीज आपने पूछी कि श्वास जब प्राणायाम में लिया जाए तो हम सीने को फुलाएं या पेट को फुलाएं। जिज्ञासा सही है, न तो सीने को फुलाना है और न पेट को फुलाना है। आप कहेंगे ये गुरुजी ने कैसा आंसर दे दिया, लेकिन सच्ची बात यही है। अगर आप सीने को फुलाने पर ध्यान देंगे तो आपका ध्यान सीना फुलाने पर यानी सीने पर रहेगा, प्राणायाम पर नहीं रहेगा, मंत्र पर भी नहीं रहेगा। अगर आप पेट फुलाने पर ध्यान देंगे तो आपका ध्यान पेट पर रहेगा, प्राणायाम पर कहाँ रहेगा? ध्यान तो एक समय में एक जगह पर ही रह सकता है। हाँ, नियम का पालन करना जरूरी है, और नियम ये है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो सुरक्षा पहले ले लें। अगर प्राणायाम आपकी जान पे ही बन जाए तो उस प्राणायाम का क्या फायदा? तो पहली सुरक्षा है कि आप मूल बंध से प्राणायाम करें, ध्यानात्मक आसन में बैठ करके प्राणायाम करें, पद्मासन में, सिद्धासन में, स्वस्तिकासन में, गुप्तासन में, भद्रासन में, और नहीं तो सुखासन में। और अगर घुटने मोड़ करके बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं
तो फिर कमर सीधी करके अपनी चेयर में बैठ करके पैर लटका करके भी कर सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। यानी आज की जो आपकी परिस्थिति है तो उसमें जो भी श्रेष्ठतम साधन है, उपाय है, वो हमें करना होगा। तो ध्यान आसन में बैठ करके प्राणायाम करें और प्रयास जिन प्राणायामों में है, क्योंकि खाली पेट फुलाने और सीना फुलाने वाली बात नहीं है, आपको ये भी सोचना होगा कि सांस नाक से लें या मुंह से लें। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनमें मुख से ही श्वास लेना होता है, जैसे शीतकारी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है। कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जिनमें नासिका से प्राणायाम श्वास लेना होता है। कुछ प्राणायाम ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही नाक से श्वास लेना होता है, जैसे चंद्रांग प्राणायाम है या सूर्यांग प्राणायाम है। कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत तेज तेज सांस लेना होता है, भस्त्रिका की तरह से। तो ये जो प्रश्न आपके हैं वो प्रश्न कहीं अधूरे जवाब इनमें मिल सकते हैं, लेकिन आप जिस साधक से चर्चा कर रहे हैं वो कम से कम ये कोशिश ज़रूर करेगा कि अप्रमाणिक और अधूरा जवाब उसकी तरफ से ना जाए, जिससे कि आप संतुष्ट हों और आपकी जिज्ञासा का समाधान हो, आप अभ्यास ठीक से कर सकें। तो ये पहले सोचना कि किस प्राणायाम के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं। जिस प्राणायाम के बारे में प्रश्न कर रहे हैं उस पर ही ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। फिर आपने एक चीज़ कही कि पेट फुलाना और सीना फुलाना, इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप, मैंने कहा कि सुरक्षित हो जाएं। सुरक्षित का तरीका है कि मूल बंध लगा करके प्राणायाम किया जाए। तो शुरुआत ये करिए कि मूल बंध लगा करके बैठने का अभ्यास करिए। बंध कैसे क्या लगते हैं, क्या होते हैं, क्या उनके फ़ायदे हैं, उनको सीखिए और फिर बंध लगा करके बैठें। इसका अभ्यास जब हो जाए तब फिर प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। आजकल तो डायरेक्ट ही प्राणायाम का अभ्यास शुरू हो जाता है, और बल्कि प्राणायाम भी क्या, बहुत से लोग तो अब, क्योंकि गुरुओं की भी कमी नहीं है, जिज्ञासु चाहिए, गुरु तो बहुत सारे हैं, वो आपको ये बता देते हैं कि प्राणायाम की, आसन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान में चले जाइए। और इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो कहते हैं कि सीधे कुंडलिनी शक्ति बस आ जाओ एक बार। साधक को बहुत जागरूक होना चाहिए। उसे, अगर हम घर का नौकर भी कोई सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसकी पूरी वंशावली पहले देख लेते हैं, पुलिस रिपोर्ट तक मंगा लेते हैं कि भाई इसका चाल चलन ठीक है, सही आदमी है भी या नहीं। जिम्नेजियम में, योग में आप ये भी नहीं देखते कि किस परंपरा का ये गुरु हैं, कौन सी योग्यता इनकी है, केवल बाहरी वेश देख करके भ्रमित हो जाएंगे। आप मेरे वेश से भी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन नहीं, आप सही साधक जो हैं, अधिकृत हैं सिखाने के लिए, उनसे सीखिए। ये भारत देश है, दुनिया को योग गुरु यहाँ से दिए जा रहे हैं, लेकिन कमी नहीं है, फिर भी प्रमाणिक व्यक्ति से ही संपर्क करें, जिससे कि वो आपकी परिस्थिति में क्या सर्वोत्तम है वो आपको बता सकें। पहले बंद लगाना सीखिए, फिर प्राणायाम शुरू करिए। अंतिम बात आपने पूछी कि चाइल्ड ब्रीदिंग क्या होती है। चाइल्ड ब्रीदिंग का मतलब हो जाता होता है योग का प्राप्तव्य स्वरूप पर पहुंच जाना, यानी जैसे बालक है ऐसा सहज हो जाना, ऐसा निर्मल हो जाना, ऐसा विश्वासी हो जाना, ऐसा लगनशील हो जाना, बच्चे वाले गुण हमारे अंदर आ जाएं। बच्चे को कोई भय नहीं है, इसलिए वो जब सोता है तो बेफिक्र होकर के सोता है, वैसा सांस हमारा होना चाहिए। ये एक रोल मॉडल है सांस का। सारे दिन जितना अधिक समय हो सके आप चाइल्ड ब्रीदिंग में रहें, यानी नासिका से नाभि तक सांस चलना चाहिए। अगर चाइल्ड ब्रीदिंग देखनी है ना, तो आप जब बच्चा आपका साल भर का है और उसको आप बाथरूम में ले जा करके नहलाते हैं नंगू, उसको आप देखिए वो सांस कैसे लेता है, या कहिए उसका सांस कैसे चलता है। उसका पेट थोड़ा सा बाहर को निकला रहता है और हर सांस के लेने के साथ, यानी सांस के आने और जाने के साथ, उसका पेट थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता रहता है।
ये सांस होना चाहिए जिससे कि आपका मणिपुर चक्र जागृत रहे, जिससे कि आपका जो 72,000 नाड़ियां शरीर की हैं वो पुष्ट रहें। वो तभी हो सकती हैं जब आपका नाभि पर्यंत श्वास चलता है, यानी श्वास का वेग 2400 घंटे माह तक रहना चाहिए, नाभि तक। वो तभी रह सकता है जब आप आवेगों से, उद्वेगों से, आवेशों से, भय से, वासना से मुक्त होकर के रहेंगे। जब ये स्थिति होगी तब आप चाइल्ड ब्रीदिंग कर सकते हैं। योग में तो हमने शिशु गति विकसित की है, योग में हमने बाल आसन विकसित किया है कि बच्चे की तरह से हो जाए, सहज हो जाए, अंदर बाहर एक जैसे निर्मल। यही तो दिव्यत्व है, कोई मैल ही नहीं है उसके भीतर। और जब मैल नहीं है तो वो सहज है, और सहज है तो उसका श्वास नासिका से नाभि पर्यंत है। इसका अभ्यास दिन भर होना चाहिए, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, प्राण को संयम करने के लिए, ऊर्ध्वरेतस होने के लिए और आध्यात्मिक लाभ ध्यान में प्राप्त हो उनके लिए प्राणायाम यत्न पूर्वक करना चाहिए, और वो यत्न पूर्वक इतना हो कि वो आपके लिए सहज हो जाए। उसमें चेस्ट ब्रीदिंग, जहां प्रयास है, एफर्ट है, वहां चेस्ट ब्रीदिंग, और जब सहजता है तो नॉर्मल ब्रीदिंग। इस बात का ध्यान रखें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये योग कथा योग चर्चा चलती रहेगी, जिज्ञासाएं सामने होंगी, समाधान अवश्य मिलेगा।